देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 बहुजन प्रेरणा समाचार पत्र। बताते चले अयोध्या फैजाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, जिसमें श्रीमान ज्ञान प्रकाश तिवारी माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक विकास प्राधिकरण जनपद न्यायालय फैजाबाद अयोध्या के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुई राष्ट्रीय लोक अदालत। उक्त अवसर पर श्री शैलेंद्र सिंह यादव नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्रीमती ऋचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय फैजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 8,351 वादों को निस्तारित किया गया, जिस क्रम में श्रीमान भूदेव गौतम न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा कुल 63 केस निस्तारण हेतु नियत थे, जिसमें से कुल 48 वाद निस्तारित किए गए, जिस पर कुल 2,43,75,978 रुपए की धनराशि क्षतिपूर्ति का वाद सुलह समझौते के आधार पर निपटाया गया। जनपद के सभी बैंक के लेन देन व बैंक रिकवरी से संबंधित 754 प्री लिटिगेशन वाद निस्तारित किए गए तथा बैंक से संबंधित ऋण 3,98,31,724 रुपए की रकम वापस प्राप्त हुई। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 45 मुकदमों को निस्तारित किया गया, जिसमें कई पुराने वाद निस्तारित किए गए। संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा 1,996 फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया, जिसके एवज में रकम 5,26,340 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 67 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें रकम 3,11,51,111 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि जारी किया गया। राजस्व मामलों से संबंधित 5,400 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 8,351 मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से महिलाओं, विकलांगों व वरिष्ठ नागरिकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति अब सामान्य वर्ग के लोग लाभान्वित हुए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क एलोपैथिक चिकित्सा शिविर अब होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण अब वादकारीगण द्वारा जाँच कराया और आवश्यक परामर्श लिया। न्यूज के लिए अयोध्या से ब्यूरो चीफ फूलचंद की खास रिपोर्ट। जी शुभ नाम भूदेव गौतम, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण फैजाबाद से हूँ। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर हमने 42 मुकदमे चुने थे, जिनमें सुलह वार्ता के लिए पक्षकारों को प्रेरित किया गया और रोडवेज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, विभिन्न बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के सहयोग से और अधिवक्तागण के अथक प्रयास से आज हम 27 मुकदमे मोटर दुर्घटना प्रतिकर के तय करने में सफल हुए, जिसमें वादकारियों को लगभग 1.5 करोड़ रुपया प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों का पैसा प्रतिकर का पहले से जमा था उनकी वापसी की गई, तो उसमें करीब 85 लाख रुपया जर वापसी के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है। आज की लोक अदालत
इस महामारी के दौरान जनता ने जो उल्लास दिखाया है लोक अदालत के प्रति, उससे सफल हुई है। यदि ये महामारी का प्रकोप न होता तो और अधिक वादों का निस्तारण हो सकता था। जो वादकारी आपके न्यायालय में आ रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वादकारियों के लिए मेरा यही संदेश है कि लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां के दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमों का निस्तारण होता है। किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती है। अगर गुण दोष पर मुकदमे का निस्तारण सुनवाई के बाद होता है तो उसमें एक पक्ष की हार होती है, एक पक्ष जीतता है। लेकिन सुलह समझौते में दोनों ही पक्ष अपनी खुशी से मुकदमा तय करते हैं और किसी पक्ष को ये मलाल नहीं होता है कि हम मुकदमा हार गए हैं, बल्कि दोनों ही पक्ष की सहमति से जो निर्णय आता है उसमें दोनों पक्षों की खुशी शामिल होती है। लोक अदालत में मुकदमे का निस्तारण इसलिए और ज़रूरी है कि आज हम लोक अदालत कर रहे हैं और सुनवाई होने के बाद मुकदमा तय करने में काफ़ी समय लग जाता है। लोक अदालत में तय होने से मुकदमे में समय की बचत होती है। आज जिस व्यक्ति को, किसी पीड़ित को उपचार की ज़रूरत है, किसी भूखे को भोजन की ज़रूरत है, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत पैसा चाहिए और वो तभी संभव है जबकि लोक अदालत में मुकदमा तय हो और तुरंत उसको प्रतिकर मिल जाए। क्योंकि गुण दोष पर मुकदमे का निस्तारण होने में संभव है कि किसी मुकदमे में 10-20 हज़ार रुपया ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता अगर वो समय बीतने के साथ बहुत लंबे समय के बाद मुकदमा तय होता है। तो उस जो आज शुभ नाम बता दीजिए। नीता कौशिक, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय फैजाबाद। आज आपके यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत लगी है। जो वादकारी आपके यहाँ सुलह समझौता करके जा रहे हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देंगी? और जो आपके यहाँ वाद में लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी? देखिए, हमारा मानना है अगर सुलह से आप लोग वाद का निस्तारण करते हैं, फैमिली के मैटर्स हैं, फैमिली में छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन अगर कभी कोर्ट तक आ भी गए हैं सुलह से निस्तारण कराते हैं तो उसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। लोक अदालत में जिस केस का निस्तारण होता है, आपसी सहमति से पक्षकार वाद का निस्तारण कराते हैं, उसमें किसी की हार जीत नहीं होती। और ज़्यादातर परिवार न्यायालय में यही बल रहता है कि पक्षकारों का परिवार बसा रहे। आज 35 वादों का निस्तारण हुआ है, उसमें से 15 वादों में पक्षकार खुशी खुशी एक साथ रहने के लिए चले गए हैं, जिनमें से 3 वाद ऐसे थे जो कि किसी पक्षकार द्वारा तलाक हेतु संस्थित किए गए हैं, लेकिन समझाने जाने से वो लोग पुनः एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए हैं और आज बहुत खुशी खुशी अपने एक साथ चले गए। शुभ नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम ऋचा वर्मा है और मैं जनपद फैजाबाद में बतौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत हूँ। आज आपके यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ जी। पिछली लोक अदालतों से इस लोक अदालत में नया क्या दिखा, इस पे बता दीजिए। देखिए, पिछली लोक अदालत से इस लोक अदालत में सबसे बड़ा एक प्रभाव तो कोविड का रहा है। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए, उस प्रोटोकॉल्स को दृष्टिगत रखते हुए ही हमें सारी तैयारियां, हमें डिस्पोजल और हमें जितना भी हो सके अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करना था। इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना था कि हम कम से कम लोगों को संपर्क में कम से कम लाएं, लेकिन हमारा उससे जो निस्तारण है वो प्रभावित ना हो। इसके लिए सबसे पहली कोशिश ये करी गई कि जो प्री लिटिगेशन से संबंधित, बैंक से संबंधित जो मामले हैं, तो हर बैंक में एक हेल्प डेस्क बनवाई गई, एक उस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को नामित किया गया बैंक की तरफ से ही। उस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने जितने भी चिन्हांकित मुकदमे थे, प्री लिटिगेशन के जितने भी चिन्हांकित बात थे, उन सब में उन्होंने सॉर्ट आउट किया, लिस्ट आउट किया। लिस्ट आउट करने के बाद में लोगों को बताया टेलीफोन के माध्यम से कि आपके मामले में इतना मैक्सिमम आपको रिबेट दिया जा सकता। इससे हुआ क्या कि टेलीफोनिकली ही हमें एक कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिल गया। एक जो भीड़ किसी काउंटर पे लगती है, हमने उसको रोका और निस्तारण भी हमें पूरा मिला। दूसरी चीज ये कि इस लोक अदालत में हमने प्रोसेस सर्विंग पे, जिसको कहते हैं तामीला करवाने पे, बहुत खास ध्यान दिया है। प्रोसेस जो हुई, जो तामीला की स्थिति थी, इस बार न सिर्फ प्रशासन के स्तर पे नोडल अधिकारी नामित थे, बल्कि जो मॉनिटरिंग है इनकी, मॉनिटरिंग ऑफिस से भी इनके एक नोडल अधिकारी नामित किए गए, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग को, तामीला को
दृष्टिगत रखते हुए जो तामिला की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी समन अनसर्व्ड रिटर्न ना हो, लोगों को समन प्राप्त हो, उनको अपने बात की सूचना मिल जाए और उन्हें ये भी पता चले कि वो अपने बात का निस्तारण लोक अदालत में करा सकते हैं। आने वाली लोक अदालत में वादकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, आने वाली लोक अदालत में सबसे पहला संदेश हम यही कहेंगे कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि कम समय में अधिकाधिक वादों का निस्तारण, आपके कम धन खर्च और कम समय में आप अपने मुकदमे का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है आप उसका निस्तारण करवा सकते हैं। लोग जितना मैक्सिमम हो सके संपर्क करें, अगर बैंक के मामले हैं बैंकों में, अगर सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस से मैटर है जो लोक अदालत में निस्तारित हो सकते हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क करें, उस पर्टिकुलर कोर्ट में संपर्क करें या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपना एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और जो सहायता हम कर सकते हैं आपके मामले के निस्तारण करवाने के लिए लोक अदालत में वो हमारे द्वारा प्राप्त।